इस लेक्चर में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अभयारण्य की। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या फर्क होता है, ये चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर में देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या फर्क होता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों को हमने खत्म कर लिया है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। मध्य प्रदेश में अभयारण्य की संख्या कितनी है इसको लेके अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई होती है, परंतु जहां तक मेरा अनुमान है, मैंने काफी खोजबीन करके और ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लेके आई है, तो मेरे अनुमान से मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या है टोटल 31, है ना। वन्य जीवों की संख्या है 31। इस 31 अभयारण्य में कुछ अभयारण्य बन चुके हैं, कुछ ने लगभग अभयारण्य बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और कुछ अभयारण्य अभी प्रस्तावित है, मतलब अभी काम उसमें शुरू है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो भी शामिल हो जाएंगे। तो इनमें से लगभग 27 अभयारण्य जो है वो तैयार हो चुके हैं, है ना, 27 अभयारण्य तैयार है और लगभग 4 अभयारण्य जो है वो अभी प्रस्तावित है। तो इन 27 अभयारण्य को और 4 अभयारण्य जो कि प्रस्तावित है, इन दोनों को मिला के टोटल अभयारण्य है मध्य प्रदेश में 31, और उन्हीं अभयारण्यों की चर्चा हम करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों में हमने क्षेत्रफल भी देखा था राष्ट्रीय उद्यानों के, लेकिन अभयारण्य में इतने सारे अभयारण्य हैं और सभी के क्षेत्रफल याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और इसके साथ ही इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। आप केवल इतना याद रखें कि कौन सा अभयारण्य किस क्षेत्र में स्थित है, और इसके बाद जब ये अभयारण्य मैं आपको टोटल बता दूंगी, उसके बाद कुछ अभयारण्य ऐसे हैं जहां पर किसी विलुप्त प्राय प्रजाति या फिर विलुप्त प्राय पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, सोन चिड़िया जिसे कहते हैं, नील गाय, तो इन सभी का संरक्षण कुछ विशेष अभयारण्य में किया जा रहा है, उसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अभयारण्य की। तो सबसे बड़ा अभयारण्य, तो यहाँ पे आपको उसका क्षेत्रफल भी याद कर लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरा देही। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरा देही। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर दे देना। तो सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरा देही, और ये स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है सागर में। कहाँ पर है पूछा जा सकता है, कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है सागर में, और इसका क्षेत्रफल चूंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल है 10^34, लगभग आप 1100 याद रख सकते हो, तो 10^34.52, मतलब 1034.52 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है क्षेत्रफल है। और ये जो नौरा देही सागर जो अभयारण्य है, यहाँ पर नील गाय, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ते, इन सबका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सारे अभयारण्य में ये सारी चीजें आपको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ विशेष प्रजाति का जहां पर संरक्षण किया जा रहा है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है सबसे छोटा अभयारण्य। सबसे बड़ा था सैलाना नौरा देही अभयारण्य जो कि है सागर में। सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल, और ये है कहां पर, ये है इंदौर में। देखिए, सबसे छोटा अभयारण्य जो है ना वो कहीं कहीं पर आपको सैलाना भी मिलेगा, है ना, बुक्स में, अधिकतर बुक्स में सैलाना भी दिया होता है, लेकिन वास्तव में सैलाना का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12 किलोमीटर स्क्वायर का है, लेकिन राला मंडल का क्षेत्रफल है लगभग 2.3-4 किलोमीटर स्क्वायर। इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल अभयारण्य, जो कि कहां पर स्थित है, इंदौर में। तो हमने पढ़ लिया सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा नौरा देही सागर में, सबसे छोटा है राला मंडल इंदौर में। मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट करवा रही हूं ताकि आपको याद होती चले चीजें। उसके बाद बात करते हैं बगदरा अभयारण्य की। तो बगदरा अभयारण्य, देखिए 2-4 बार आप इसको रिवाइज करते रहोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बगदरा अभयारण्य कहां पर है, यह है सीधी में। बगदरा अभयारण्य कहां पर है, ये है सीधी में, ये हो गए 3। चौथा है बोरी अभयारण्य, ठीक है, तो बोरी अभयारण्य कहां पर है, बोरी अभयारण्य है होशंगाबाद में। और बोरी अभयारण्य से जुड़ा हुआ मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है कि हमारे भारत की जो पहली वन नीति थी वो बोरी अभयारण्य में ही बैठकर बनाई गई थी, लगभग शायद 1852 की बात है, 1852 में भारत की पहली वन नीति बनाई गई थी बोरी अभयारण्य में बैठकर। मुझे ये अभी डेट 1852 में, अभी थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है, कंफर्म मत मारिएगा, जब हम भारत में पढ़ेंगे
वनों के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको करेक्ट बता दूंगी। बाकी मेरे ख्याल से जहाँ तक 90% मैं श्योर हूँ 1852 ही है। उसके बाद है फैन अभ्यारण्य, तो बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में। उसके बाद है फैन अभ्यारण्य, ठीक है। फैन कहाँ पर चलता है? फैन हमेशा मंडला में चलता है, ठीक है। तो फैन अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंडला में है। गांधी सागर अभ्यारण्य, ये तो याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है। गांधी सागर अभ्यारण्य है मंदसौर में, गांधी सागर अभ्यारण्य है मंदसौर में। घाटी गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। घाटी गांव अभ्यारण कहाँ पर है? घाटी गांव है ग्वालियर में। घाटियों का गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी किसी विशेष प्रजाति की का संरक्षण किया जाता है, इस कारण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो घाटी गांव कहाँ पर है? ग्वालियर में। करेरा, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। करेरा अभ्यारण कहाँ है? ये है शिवपुरी में। करेरा अभ्यारण कहाँ पर है? यह है शिवपुरी में। करेरा में भी विशिष्ट एक प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है, वो आगे चल के बताया जाएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है केन अभ्यारण, इसमें भी आप स्टार लगा लो। तो केन अभ्यारण, केन नदी के नाम पर इस अभ्यारण का नाम रखा गया है, और यह है कहाँ पर? केन नदी छतरपुर में स्पेशली बहती है, तो केन जो अभ्यारण है वो भी कहाँ पर है? छतरपुर में है। उसके बाद आता है खिवनी अभ्यारण, इसको बुक्स में सिवनी भी लिखा होता है, तो सिवनी अभ्यारण अगर आता है तो आप सिवनी जिला मत करके आ जाना। जो सिवनी या खिवनी अभ्यारण है वो है देवास सीहोर जिलों में। कहां पर? देवास और सीहोर जिलों में। तो ये हो गए हमारे 10 अभ्यारण कंप्लीट, ठीक है। जिसमें मैंने स्टॉल लगाए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से याद रखना आप। उसके बाद आता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण, इसमें भी आप स्टॉल लगा लो। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण जो है वो है मुरैना में। चंबल नदी के ही नाम पर इस अभ्यारण का नाम रखा गया है। अब क्यों रखा गया है आगे आपको पता चल जाएगा। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण कहाँ पर है? ये है मुरैना में। उसके बाद है पचमढ़ी अभ्यारण, तो पचमढ़ी ऑफ कोर्स कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में। तो पचमढ़ी अभ्यारण भी होगा होशंगाबाद में। उसके बाद है पनपथा अभ्यारण, ठीक है। देखिए मैंने जिसमें स्टार नहीं लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पूछते, जो चीज़ें हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वही चीज़ें पूछ ली जाती है। सो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो पनपथा अभ्यारण कहाँ पर है? ये है शहडोल में। कहाँ पर है? शहडोल में, बघेलखंड के अंतर्गत आता है यह जिला। देन पालपुर कुनो अभ्यारण कहाँ पर है? पालपुर कुनो तो बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि अभी इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया है। तो पालपुर कुनो अभ्यारण कहाँ पर है? श्योपुर में। और यहाँ पर एशियाई बब्बर शेर लाने की जो योजना है वो चल रही है। उसके बाद है पेंच अभ्यारण, पेंच अभ्यारण इसका भी नाम पेंच नदी के ही नाम पर रखा गया है, और यह भी कहाँ पर है? शिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। ये भी पहले अभ्यारण था, और राष्ट्रीय उद्यानों में अगर आपने पढ़ा हो तो पेंच को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम अब कर दिया गया है। उसके बाद है रातापानी, इसमें आप तो डबल स्टार लगा लो। क्यों डबल स्टार लगा लो? आपको याद आ जाएगा रातापानी जो अभ्यारण है ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा अभ्यारण है ये जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, और इस तरह से मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या हो जाती है 7। तो रातापानी कैसे याद रखेगा? रा से रातापानी और रा से ही रायसेन या आर से, ओके। तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है संजय, ठीक है, तो इसमें भी स्टार लगा लेंगे। तो संजय डुबरी कहा जाता है इसे, संजय डुबरी अभ्यारण्य। और अगर आपको याद हो तो इसे भी अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। तो संजय डुबरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी सीधी में। और संजय डुबरी या संजय राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो अभ्यारण की बात नहीं है यहाँ पर, अभ्यारण को शामिल नहीं किया गया है, जो संजय अभ्यारण को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अभ्यारण के अंतर्गत केवल रातापानी ही एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो संजय अभ्यारण्य कहां पर है? संजय डुबरी, ये है सीधी में। उसके बाद है सिंधारी, सिंधारी भी है रायसेन में। तो रायसेन में आपने दो अभ्यारण्य पढ़ लिए, एक तो रातापानी और दूसरा सिंधारी। देन सोन, इसमें भी आप स्टार लगा लो। तो सोन अभ्यारण्य को भी सोन नदी के नाम पर रखा गया है, तो ये कहाँ पर होगा? ये है सीधी शहडोल में, ठीक है। सीधी शहडोल सीमा दोनों में, दोनों जिलों में इसकी सीमा लगती है। तो सीधी शहडोल में है सोन अभ्यारण्य। उसके बाद है सरदारपुर अभ्यारण्य, इसमें भी स्टार लगा लो। तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार में। तो याद रख लीजिएगा कि धार में सरदार ही सरदार रहते हैं,
या फिर ऐसे याद रखिएगा कि सरदार जो है वो शायद कटार लेके रखते हैं और कटार में उनके काफी धार होती है, तो इस तरह भी आप उसे याद रख सकते हैं। तो सरदारपुर अभ्यारण कहाँ पर है? धार में। अभ्यारण याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अच्छे से याद करके काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। लगभग 35 to 40% जो है आपका पेपर एमपी के पोर्शन से कवर हो जाता है, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है सैलाना। सैलाना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर बुक्स में सैलाना अभ्यारण को मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण बताया गया है, इस कारण से सैलाना अभ्यारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह सैलाना अभ्यारण है कहां पर? यह है रतलाम में। तो कैसे याद रखेंगे? रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है, तो याद रख लीजिए कि रतलाम में अंगूर खाने बहुत सारे सैलानी जाते हैं, तो सैलाना अभ्यारण कहाँ पर है? रतलाम में। तो ये हो गए 21 अभ्यारण। अब आगे की बात कर लेते हैं, एक्चुअली जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाई। तो ये हो गए 21। अब हम बात करते हैं 22वें अभ्यारण की। 22वां अभ्यारण है ओरछा, ठीक है। 22वां अभ्यारण जो है वो है ओरछा, और ओरछा अभ्यारण कहां पर है? टीकमगढ़ में, ठीक है। तो ओरछा अभ्यारण कहां पर है? टीकमगढ़ में। देखिए ओरछा में, अभी आप कंफर्म मत मानना टीकमगढ़ में है, जब मैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको डिटेल से बताऊंगी तो फिर आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि टीकमगढ़ से अब एक जिला और अलग हो चुका है जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये निवाड़ी में भी जा चुका हो, तो मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगी, ओके, जब मैं निवाड़ी के बारे में अच्छे से डिटेल से आपको बताऊंगी। उसके बाद जो 23वां अभ्यारण है वो है नरसिंहगढ़, और नरसिंहगढ़ है राजगढ़ में, राजगढ़ में। जो 24वां अभ्यारण है वो है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, और ये है कहां पर? दमोह में है ये, दमोह सागर। अगला है गंगाऊ अभ्यारण। गंगाऊ अभ्यारण में भी काफी कंफ्यूजन है। गंगाऊ अभ्यारण अक्सर बुक्स में दिया होता है ग्वालियर, लेकिन गंगाऊ अभ्यारण स्थित है पन्ना में। कहां पर है गंगाऊ अभ्यारण? यह है पन्ना में। जो 26th है वो है कामधेनु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं हम विश्व का पहला ऐसा गौ अभ्यारण है, ठीक है। तो ये है कामधेनु गौ अभ्यारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में इसका निर्माण किया गया है। तो ये कहां पर स्थित है? ये है सालरिया और सुसनेर में, ठीक है। तो सालरिया और सुसनेर में ये स्थित है। सालरिया और सुसनेर जो है वो आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग हुआ है जिला 2013 में, आगर मालवा की दो तहसीलें हैं, ठीक है। तो आगर मालवा की दो तहसीलें सालरिया और सुसनेर में कामधेनु गौ अभ्यारण की शुरुआत की गई है। पहले कहा जाता था कि ये शाजापुर में है, लेकिन जब शाजापुर से आगर मालवा अलग हो गया तो उसके बाद ये आगर मालवा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे आगर मालवा, ठीक है। तो गौ अभ्यारण 26वां, और 27वां है मयूर अभ्यारण, और मयूर अभ्यारण है आपका झाबुआ में। कहां पर है? झाबुआ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने 21 पहले देखे थे, और जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 27 लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, उनको हमने बाद में देखा। तो मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो इनमें से हमने देखा सबसे पहले ओरछा। तो ओरछा अभ्यारण कहाँ पर है? ओरछा अभ्यारण है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने देखा नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है,
ठीक है, नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है, राजगढ़ में। उसके बाद रानी दुर्गावती अभयारण्य, तो रानी दुर्गावती अभयारण्य दमोह में। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, अक्सर लोग इससे जबलपुर करके आ जाते हैं और जबलपुर ऑप्शन में भी देगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए, बट ये है कहाँ पर, दमोह में। उसके बाद गंगाऊ अभयारण्य, तो गंगाऊ अभयारण्य ग्वालियर भी दिया होता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एक ही याद रखो, आप दोनों याद रखो, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको करेक्ट कर लेना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होता है पन्ना और ग्वालियर दोनों, तो उसका आंसर आप पन्ना लगाना। उसके बाद कामधेनु गौ अभयारण्य या फिर इसे गौ अभयारण्य भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये कहाँ पर है, ये है सालरिया और सुसनेर में। सालरिया और सुसनेर जो है वो आगर मालवा नामक जिले के दो तहसीलें हैं। उसके बाद आपने देखा मयूर अभयारण्य, तो मयूर अभयारण्य कहाँ पर है, झाबुआ में। मयूर नाम से अगर कोई भी अभयारण्य आता है तो वो लगभग मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिले ही होते हैं, झाबुआ या फिर अलीराजपुर। तो ये हो गए जो बन चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गए 27, टोटल कितने हैं 31 जो अभी प्रस्तावित हैं, ठीक है। चार अभी ऐसे हैं जो कि प्रस्तावित हैं, तो 27 हो गए। अब हम 28 से बात करते हैं। जो 28 है वो है कालीभीत अभयारण्य, काली भीत अभयारण्य। और ये कहाँ पर है, ये है बैतूल में, है नहीं मतलब प्रस्तावित है। तो पूछा जा सकता है प्रस्तावित को भी, तो काली भीत अभयारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है, बैतूल जिले में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है बैतूल जिला। देन सुरमैनिया अभयारण्य, सुरमैनिया अभयारण्य, और सुरमैनिया अभयारण्य जो है वो खंडवा में प्रस्तावित है। कहाँ पर है, खंडवा में। खंडवा में आई थिंक दो प्रस्तावित है, ठीक है। उसके बाद है मांधाता अभयारण्य, मांधाता अभयारण्य, और मांधाता भी कहाँ पर है, मांधाता सुना होगा आपने, मांधाता द्वीप का नाम, तो ये भी खंडवा में। मांधाता द्वीप में ही ओमकारेश्वर नामक दर्शनीय स्थल जो है वो धार्मिक स्थल बसा हुआ है। तो तीन हमने देखे, कालीभीत जो कि बैतूल में प्रस्तावित है, दूसरा है सुरमैनिया जो कि खंडवा में प्रस्तावित है, मांधाता अभयारण्य जो कि खंडवा में प्रस्तावित है, और जो अंतिम प्रस्तावित है वो है कट्ठीवाड़ा, कट्ठीवाड़ा अभयारण्य। और ये जो कट्ठीवाड़ा अभयारण्य है ये भी मयूर अभयारण्य है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मयूर अभयारण्य, और ये प्रस्तावित है कहाँ पर, अलीराजपुर में। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मयूर नाम से कुछ भी आए तो आप सीधे मध्य प्रदेश के पश्चिमी सिरे में पहुँच जाना। तो ये हो गए आपके चार अभयारण्य जो कि प्रस्तावित है, और इस तरह से मध्य प्रदेश में टोटल अभयारण्य हो जाते हैं 31। इनके बनने के पश्चात टोटल संख्या हो जाएगी 31। एक बार मैं फिर से प्रस्तावित वालों को रिपीट करती हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है। कालीभीत जो कि बैतूल में प्रस्तावित है, सुरमैनिया जो कि खंडवा में प्रस्तावित है, मांधाता अभयारण्य जो कि खंडवा में प्रस्तावित है, कट्ठीवाड़ा अभयारण्य जो कि अलीराजपुर में प्रस्तावित है, और कट्ठीवाड़ा अभयारण्य एक मयूर अभयारण्य है, ठीक है। दो मयूर अभयारण्य आपने पढ़े, एक कट्ठीवाड़ा में और एक झाबुआ में, ठीक है। तो ये हो गए आपके अभयारण्य। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे किसी विशेष पशु का संरक्षण एक विशेष अभयारण्य में किया जा रहा है। कुछ है लगभग 10 से 12 ऐसे अभयारण्य हैं, तो उनकी चर्चा हम करेंगे, और इस तरह से हमारा जो एमपी जीके की ज्योग्राफी का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देखी, चाहे वो मध्य प्रदेश के वन से संबंधित योजनाएँ हो, चाहे वो पुरस्कार हो, और राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की जो बातें हो रही है वो आप देख ही रहे हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं वही विशेष प्रजाति के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।